नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बम्पर भर्ती की खुशखबरी जो है लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB में निकली वेरियस पोस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, DSSB में बम्पर भर्तियाँ निकल चुकी हैं। विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, यानी कोई पोस्ट 12th पास के लिए भी है, कई पोस्ट 10th पास के लिए भी हैं, कई ग्रेजुएशन और कई पोस्ट ग्रेजुएशन और कई ITI वालों के लिए भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो दोस्तों, सभी के लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाली है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटे के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, यहां पर फाइनली जो है DSSB में बंपर भर्ती आ चुकी है। यहां पर अगर मैं दोस्तों फॉर्म स्टार्टिंग डेट की बात करूं तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7 जनवरी से भरे जाएंगे। इसका जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन है वो जो है साइट पर आ चुका है। 7 जनवरी से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट जो है यहाँ पर 6 फरवरी रखी गई है, और 6 फरवरी तक आप जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ीस की, अगर आप जनरल OBC या फिर EWS मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी। बाकी सभी कैंडिडेट जो कि इनसे अलग हैं, उन सभी के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। यानी फीमेल कैंडिडेट हो गए, SC ST हो गए, PWD हो गए, ex-servicemen हो गए, इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आपके यहाँ पर बात करूँ पोस्ट की, तो यहाँ पर पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टोर कीपर हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, उसके बाद वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर हो गया, इन्वेस्टिगेटर हो गया, उसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, उसके बाद दोस्तों ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो गया, फार्मिस्ट हो गया, लीगल असिस्टेंट हो गया, मैनेजर हो गया, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर हो गया, और सबसे इंटरेस्टिंग जो पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क की है, ड्राफ्ट्समैन हो गया, हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट और लैब असिस्टेंट। यानी यहाँ पर जो वेरियस पोस्ट निकली हैं, विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं जिन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम केवल और केवल 2 से 3 पोस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। पहली तो है हमारी जो है जूनियर क्लर्क की, जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट की में जो मैक्सिमम पोस्ट हैं वो इसी पोस्ट की हैं, जूनियर क्लर्क की। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, ये जो 3 पोस्ट है दोस्तों, इनके बारे में हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों जूनियर क्लर्क की। तो ये बेसिकली दोस्तों एक 12th पास पोस्ट है। अगर आपने 12वीं कर रखी है किसी भी राज्य से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी मीडियम में, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो जो आपका जूनियर क्लर्क है इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 35 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 18 से 35 साल जो है यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी 12th पास आपको जो है होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट आपकी जो है हिंदी में टाइपिंग, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो है इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर में। अगर दोस्तों नॉर्मली अगर हम बात करें तो इतनी टाइपिंग स्पीड आप जो है 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस में आसानी से कर सकते हैं। बस दोस्तों, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ना ही आपको कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही कोई आपको टाइपिंग स्पीड का प्रूफ चाहिए। बस आप 12वीं पास हैं और आपकी आयु 18 से 35 साल है तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये बात कर ली दोस्तों हमने जूनियर क्लर्क की, यानी जूनियर क्लर्क की आपको सारी जो है यहाँ पर डिटेल मैंने बता दी है। लास्ट में दोस्तों हम इन सब का जो है सिलेक्शन प्रोसीजर बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न बात करेंगे, किस प्रकार आपका एग्जाम होगा, क्या आपको सैलरी मिलेगी, ये भी हम जो है वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले हम जो है बेसिक डिटेल इन पोस्ट के लिए जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी जो पोस्ट आती है वो आती है स्टेनोग्राफर इंग्लिश और स्टेनोग्राफर हिंदी की। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें भी आपकी बम्पर आप कह सकते हैं कि वैकेंसीज निकली हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की टोटल 38 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर हिंदी की टोटल 6 पोस्ट है। दोस्तों यहां पर एज लिमिट वही है 18 से 35 साल दोनों में ही, स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश दोनों में। दोस्तों यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सिंपल 10th पास रखी गई है। अगर आपने 10वीं कर रखी है किसी भी बोर्ड से पूरे भारत में से तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। बकायदा आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 80 वर्ड पर मिनट आपकी जो है स्टेनोग्राफी में स्पीड होनी चाहिए।
तो ये बेसिक जो है क्वालिफिकेशन है, यानी 10वीं पास जो है बेसिक क्वालिफिकेशन है स्टेनोग्राफर में, और 12th पास बेसिक क्वालिफिकेशन है जूनियर क्लर्क में। दोनों ही पोस्ट दोस्तों काफ़ी अच्छी हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल ये रहने वाली हैं। दोस्तों आप अगर टाइपिंग आपको नहीं भी आती है तो भी आप इसके लिए फॉर्म डालिएगा, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम इसके लिए बचा रहेगा कि आप आसानी से टाइपिंग की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप जो है इन आपने फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन आप जो है इसका आपका सिलेक्शन जो है किस प्रकार होगा, यानी कौन कौन से पड़ाव को आपको पार करना होगा अगर आप स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर क्लर्क में जॉब चाहते हैं, तो ये भी हम एक बार जो है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल सिंपल सा है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो टायर वन के बेसिस पर होगा। जितना अच्छा आप टायर वन में स्कोर करेंगे उतने मैक्सिमम चांसेस आपके हो जाएंगे इसमें सिलेक्शन पाने के। दोस्तों यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, सिंपल आपको पास करना है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों टायर वन का, वो बिल्कुल सिंपल सा है। आपके पास जो है 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन होंगे। जो 200 क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके कुछ इस प्रकार होंगे। हर एक सेक्शन से आपके 40-40 क्वेश्चन जो है बनेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका जो है मैथमेटिक्स हो गया, जनरल मैथमेटिक्स, और आपका जो है हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तो ये बेसिक आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। इनमें दोस्तों अगर आप टॉपिक चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, तो उस पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जो कि आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ये बेसिकली दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन है सिंपल। आपने एग्जाम का आपने जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आए। एडमिट कार्ड आने के बाद टायर वन होगा। टायर वन में आपके जो है 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे, और आपकी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का अभी जो है कोई जिक्र नहीं किया गया है। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप जो है इसमें सिलेक्शन पा जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर टायर वन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को ही जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने स्टेनोग्राफी के लिए फिल किया था तो आपको जो है स्टेनोग्राफी की स्पीड जो है वहाँ पर देनी होगी, यानी स्टेनोग्राफी में आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आपने जूनियर क्लर्क के लिए फॉर्म डाला था तो आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट का स्किल टेस्ट जो है वहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपका जो है डीवी वगैरह होंगे और आपकी जो है जॉब इसमें लग जाएगी। तो ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्टेनोग्राफर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको 2800 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा, जिसमें आपको बम्पर सैलरी जो है मिलेगी। अगर मैं बात करूँ जूनियर क्लर्क की, तो जूनियर क्लर्क में आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 2000 रुपये का रहने वाला है। तो दोस्तों स्टेनोग्राफी एक 10th पास वाली जो है जॉब है, फिर भी उसमें 2800 रुपये वाला ग्रेड पे है, और जूनियर क्लर्क वाले 12th पास हैं फिर भी उसमें जो है 2000 का ग्रेड पे है। तो सैलरी आप मान के चल सकते हैं कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली रहेगी। और एक और बात दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी दिल्ली में ही होगा, यानी ऑल इंडिया से अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन आपका एग्ज़ाम आपको देने दिल्ली ही आना पड़ेगा। तो ये दोस्तों सारी डिटेल थी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन तीनों पोस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो या फिर कोई भी डाउट आपको आए, तो आप बेझिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे लाइक करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन पर मैं और जो है डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को मिस न कर पाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।